हेलो, अगर आपको शायद मालूम हो तो मैंने थोड़े पहले वाले व्लॉग्स जब मैं हॉस्टल में था तब मैंने बोला था कि मुझे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बट अब स्टोरी में आता है यहाँ से चेंज। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ जेके व्लॉग्स एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नए व्यूअर हो तो मैं हूँ जयराज। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुक के बारे में, तो हाँ बुक के बारे में बोलूँ तो ऑलरेडी मैंने 2-3 बार तो ट्राई किया कि बुक पढ़ने का, बट मन नहीं हुआ क्योंकि आई थिंक कि वो टाइम सही नहीं था। बट अब ये लॉकडाउन में तो जैसे कि मालूम ही है कि हम तो फ्री होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अब बुक पढ़ना शुरू कर देते। तो हाँ, पहली बुक जो मैंने पढ़ी वो तो थी द अल्केमिस्ट, और इस बार बुक पढ़ने में मज़ा आ गया। तो अभी तो सोचा है कि और 1-2 बुक्स लेनी है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए। तो हाँ चलिए, जाते बाहर और कुछ दूसरा भी काम है तो वो भी ख़त्म कर लेते। अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे लॉ गार्डन में। तो हाँ, अभी तो ये देख रहे हो बादल भाई, बारिश थोड़ी हुई सी, तो बुक्स तो लेने के लिए अंदर स्टोर है। तो चलिए पहले तो बुक लेके आते हैं, बाद में कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, ऑलरेडी 2 बुक का प्लान है, लाइक पहले क्रॉस कर गया वहाँ पे, बहुत मज़ा नहीं है, बट यहाँ से ले लेते कुछ। तो ये तो देख रहा हूँ यहाँ पे मैं बुक लेने आया था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स, बट वो बुक तो नहीं मिली, बट हाँ दूसरी बुक्स लिए वो अच्छी भी है, इसलिए अभी तो बाद में आपको घर जाके आराम से बताता हूँ और बुक की डिटेल्स में। हाँ तो ये तो है ना शॉप अहमदाबाद में ही है, लॉ गार्डन में। आपको डिटेल्स चाहिए तो नीचे एड्रेस में भी है, लाइक रीडर्स होते हो अहमदाबाद में तो ये बुक स्टोर में आना तो ज़रूरी है। चलिए वो मैं आपको एड्रेस नीचे रख देता हूँ, और ये बुक के बारे में घर जाके वापस आपको बताता हूँ। तो हाँ, 2 बुक्स, उनका नाम तो है द बिग थिंकिंग एंड रिच डैड पुअर डैड, वैसे ही। तो वहाँ पे तो काम ख़त्म, बुक्स ले ली, और दूसरा जो काम था वो तो एक्टिवा में ऑयल डलवाना था, वो आज ख़त्म ही हुआ। हाँ बाद में, तो अभी तो यहाँ पे आया हूँ, बस सेवपूरी खा लेता हूँ, वो भैया वापस आ गए, कोरोना से पहले तो चला गया था इसीलिए। तो अभी खा लेते हैं, और ये सीजी रोड में बैठा हूँ, लाइक ये भी लॉकडाउन के पहले तो एकदम अलग था और अभी भी अलग हो गया है, लाइक यहाँ पे देख रहे हो ना आप, देखो एक सेकेंड। तो हाँ अभी कैमरा में इतना नहीं दिखा है, बट हाँ पूरा बदल गया। अभी सेवपूरी खा लेते, बाद में मिलते वापस घर जाके। तो हाँ, अब जैसे कि आपने अभी तक तो व्लॉग देखा तो इतना पता चला होगा कि मैं तो बाहर गया, और हाँ जो मेरा काम बाकी था वो भी हो गया, एक्टिवा में ऑयल डलवाना और वो सब कुछ। तो जैसे कि व्लॉग में तो देखा कि पहले तो मैं गया था क्रॉसवर्ड, वहाँ पे जो बुक चाहिए थी वो थी, बट थोड़ी प्राइस ज़्यादा लगी, और मुझे ऐसे एक्सपीरियंस ये था कि कम प्राइस में ज़्यादा बुक्स अगर मैं पढ़ पाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो कुछ कम प्राइस में ज़्यादा बुक्स पढ़ूँ तो ज़्यादा वो मिलेगा एक्सपीरियंस, वैसे ही है। इसीलिए बाद में मैंने सोचा कि वहाँ पे बुक नहीं लेनी, बाद में एक दूसरी शॉप थी जहाँ पे भी बुक्स मिलती है, वहाँ पे बाद में सोचा कि चलिए वहीं जाके ले आता हूँ। तो हाँ लॉ गार्डन गया था, वहाँ से 2 बुक्स ली, एक तो थी ये रिच डैड पुअर डैड और एक ये द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और अभी तो ये बुक के बारे में ज़्यादा तो क्या बोलूँ, टाइटल ही सब बता दे रहा है कि बुक में क्या होगा। तो हाँ वैसा ही है, और जो बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है द अल्केमिस्ट, उसका मैं रिव्यू अभी देना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद अभी वो रीडिंग वाले स्टेज में हूँ, और मैं ऐसा कोई नहीं हूँ कि मैं अभी रिव्यू ठीक से दे पाऊँ। तो एक बार मैं ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंसड हो जाऊँ रीडिंग के मामले में, तो बाद में फ्यूचर में शायद सोचेंगे कि रिव्यू देने जैसा है या नई बुक्स के बारे में, और आपको भी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में फ्यूचर में कभी बात करेंगे। बट हाँ अभी तो ये 2 बुक्स लेके आ गया हूँ, तो दूसरा भी जो सब कुछ काम था वो तो ख़त्म हो गया, और मैं तो वापस आ गया घर पे। तो अब चलिए मैं ये 2 बुक्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आई होप कि ये आपको व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, इसलिए हाँ
व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड रेड सब्सक्राइब बटन को भूलिएगा मत। चलिए व्लॉग फिनिश करते यहीं पे, टाटा गुड बाय, सी यू एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। चलिए बाय बाय।